अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चोरे दिल चोरे फर चोरे सितम के साथ हाफिर हूं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत और सबसे छोटे शहर और सबसे बड़े शहर और सबसे छोटे शहर, जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं छोटे शहर कहना चाह रहा हूँ या बड़े शहर कहना चाह रहा हूँ। दरअसल बुरेवाला शहर मेरा शहर, इसलिए मैं शहर को छोटा कहना नहीं चाह रहा, लेकिन दरअसल ये बड़ा शहर नहीं है, इसलिए हम आपको इस शहर के बारे में इंट्रोडक्शन करवाने चाह रहे हैं। मुसनिफ कहते हैं कि अगर आप कभी बुरेवाला आए तो अपने हमारा किताबें जरूर लेकर आएँ, क्योंकि बुरेवाला का दूसरा नाम सिटी ऑफ एजुकेशन भी है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नलायक होते हैं और यहाँ पर एकेडमियाँ बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये गुमान भी बुरेवाला के बारे में बड़ा मशहूर है कि यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट्स भी आकर तालीम हासिल करते हैं और बुरेवाला में अपना एक साल जाया करने के बावजूद वापस लाहौर चले जाते हैं और जीसी यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम पूरी करते हैं। बुरेवाला की दो मशहूर इमारतें बुरेवाला हॉस्पिटल और सिटी सेंटर अपनी जगह पर उसी तरह कायम होताइम है और हम ये गुमान करते हैं कि ये दोनों इमारतें हमेशा इसी तरह कायम होताइम रहेंगी। बुरेवाला में एक स्टेडियम भी वाक़ है जो जरूरत से ज्यादा गोल है। अगर आप इसके गिनते चक्कर लगाएंगे तो घूमकर वहीं पर वापस आ जाएंगे और आप इस बात का एहसास हो जाएगा कि दुनिया वाकई गोल है। और जैसे ही आप स्टेडियम के पिछले दरवाजे से एक्सिट करेंगे तो पिछले स्टेडियम के पिछले दरवाजे के एक्सिट पर एक बुढ़ी अम्मा 5-10 साल से बैठी भीख मांग रही है। आप उनको 5-10 रुपया देकर ही आगे जाइएगा। यहाँ आप एक्सिट किया तो लेफ्ट साइड पे आपको एक बुरेवाला का मशहूर कब्रिस्तान मिलेगा। बुरेवाला में कब्रिस्तान की में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर बड़े शहरों की वजह बड़े शहरों की तरह ना कब्रें बुक करवानी पड़ती है, ना ही मुर्दा दफनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए आप अगर बुरेवाला के रहते हैं तो आपको ये बेनिफिट जरूर हासिल होगा। इसी रोड की राइट साइड पर बुरेवाला में कॉलोनी का आगाज़ हो जाता है। बुरेवाला की एक कॉलोनी में सीमेंट के जानवर पाए जाते हैं जबकि दूसरी कॉलोनी में असल जानवर पाए जाते हैं। अगर ये रोड आप सीधा जाएंगे तो आप सीधा अलहबी माल जाकर टपेंगे। अलहबी माल आप कभी भी 14 वाली रात को अकेले ना जाएगा, क्योंकि उस रात को वहाँ पर फैमिली के साथ अलाव होता है, अकेला बनने की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप वही रोड पे सीधा चलते जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको एक गहरी और डूंगी नहर नजर आएगी। दरअसल वो इलाका बुरेवाला का सबसे फैरान तरीन इलाका है, लेकिन वहाँ पर एक खास बात है, जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो नहर, उस नहर के अंदर खवातीन भी डुबकी लगा के नहा रही होती हैं और ये मुसनिफ का आंखों देखा हुआ गया है। और उसी साइड पर अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप अस्थमा के पेशेंट्स भी मिलेंगे। अब आप उसी रोड पर हैं लेकिन राइट साइड पर आ जाए, राइट साइड पर आपको पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज और अलाइट स्कूल मिलेगा। अलाइट स्कूल जाने की गलती मैं कर चुका हूँ क्योंकि मुसनिफ खुद वहीं से तालीम पजीर है, तालीम कंप्लीट कर चुका है। अब यही रोड आप सीधा जाएंगे तो बुरेवाला में आपको एक मुजाहिद कॉलोनी नजर आएगी। मुजाहिद कॉलोनी बुरेवाला की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ये माफिया का सबसे बड़ा गिरोह बुरेवाला का यहाँ पर रहायश पजीर है। मुजाहिद कॉलोनी में चाल सबराज रंगा बिला इस टाइप के हर तरह के गुंडे आपको मिलेंगे। मुजाहिद कॉलोनी में हर अच्छा काम होता है, मुजाहिद कॉलोनी में हर 2 नंबर काम होता है। आपको तरह तरह का ब्रांड मुजाहिद कॉलोनी में कौड़ी के पाव मिल जाएगा। मुजाहिद कॉलोनी के साथ अमजद टाउन और अमजद टाउन के साथ बुरेवाला की सबसे पुरानी मिल बीटीएम मिल है। बीटीएम मिल बुरेवाला की सियासत और बुरेवाला की आवाम की बेवफाई की वजह से आज बंद पड़ी है। शायद यही वजह है कि आज वो उधर वीरानियाँ नजर आती हैं। बीटीएम मिल में आजकल जिनों और तुड़ेलों का साया है और उन्होंने उसे अपना ठिकाना बना लिया है। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि बुरेवाला की तरीके में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने जो दावा किया था कि वो बुरेवाला को पेरिस बना देगा, लेकिन बुरेवाला ने बुरेवाला को पेरिस बनना बिल्कुल ही हकीर जाना और उन्होंने कहा था कि हम बुरेवाला को बुरेवाला ही देखना चाहते हैं, बुरेवाला को पेरिस नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि आज बुरेवाला है, बुरेवाला पेरिस नहीं बन सका। और इसके अलावा बुरेवाला में एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो आप 1200 रुपये में ट्रेन पे कराची पहुंच सकते हैं, लेकिन आप जाएंगे ट्रेन पे आएंगे अखबार पे। अगर आप बुरेवाला रेलवे स्टेशन से मुल्तान की ट्रेन लेने के ख्वाहिशमंद है तो आप भूल जाइए, क्योंकि बुरेवाला रेलवे स्टेशन से मुल्तान के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती है। उसके लिए आपको सबसे पहले मछीवाला और मछीवाला से विहाड़ी और विहाड़ी से मुल्तान जाना पड़ेगा और मुल्तान जाने के लिए भी आपको किस्मत से ट्रेन मिलेगी। बुरेवाला में विहाड़ी बाजार, आरिफ बाजार, रेल बाजार, गोल चौक बहुत मशहूर है। इसके अलावा इन सब पर भारी रेशम गली बुरेवाला की रौनक है। यहाँ पर आपको नौजवान अक्सर रात को ऐनक लगाए नजर आएंगे, लेकिन इस गली में जाने से पहले थोड़ी एहतियात करनी जरूरी है क्योंकि इस गली में एक पुलिस स्टेशन भी वाकया है। इसके अलावा बुरेवाला में एक चौकी नंबर 5 है और चौकी नंबर 5 आगे बुरेवाला का वजूद खत्म हो जाता है। जी नहीं, ठहरिए, आप चन्नू मोड़ों के नाम से भी एक जगह बहुत मशहूर है। इसके अलावा लाहौर रोड वाली साइड पे आपको फारा चौक मिलेगा, फारा चौक से आगे आपको नहर मिलेगी जहाँ से हम होकर अभी आए हैं, उसके आगे बुरेवाला का वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है। बुरेवाला में कभी फारा चौक से लेकर चुकी नंबर 5 तक रौनक ही रौनक हुआ करते थे, डिफरेंट मोटरसाइकिलों पर फेरा करते थे, लेकिन आज का ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका है और कोरोना वायरस में 70% बुरेवाला की अवाम अमल कर रही है। बुरेवाला की अवाम पितंग उड़ाने की बहुत चुकी है क्योंकि पितंग उड़ाने की वजह से बहुत से छापे भी पड़ चुके हैं, पुलिस ने बहुत रेड्स भी की हैं, लेकिन बुरेवाला की अवाम बाज नहीं आ रही। वो कह रही है कि हम इकबाल के शहीन और इकबाल के शहीनों को कोई प्रवास करने से नहीं रोक सकता है। और मजे की बात, आजकल तो बुरेवाला में एक यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है जिसका नाम UAF है। इस यूनिवर्सिटी में आपको तरह तरह के बच्चे मिल जाएंगे, अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे, तरह तरह के बच्चे, वो आपको जाकर विजिट करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो। बुरेवाला में मॉडल टाउन और डिफेंस ब्लॉक भी वाक़ है, बुरेवाला की आवाम बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि जिला विहाड़ी की आवाम बहुत कम है, लेकिन बुरेवाला तहसील है और तहसील होने के लिहाज से इसकी आवाम बहुत ज़्यादा है। बुरेवाला के गिरदो नवा में देहात ही देहात है, हर तरह के देहात बुरेवाला के गिरदो नवा में पाए जाते हैं। बुरेवाला के गिरदो नवा में एक देहात ऐसा है जिसके बारे में गुमान है कि वहाँ पर अनकरीब एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। और बुरेवाला में एक रहमत लामी टॉक है और यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम अलमदीना करीना मर्चेंट स्टोर है, जहाँ पर एक शख्स जिसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है उसके लिए रिश्ता भी दरकार है। और बुरेवाला में एक शख्स ऐसा भी था जिसने बयान दिया था कि बुरेवाला में सबसे अमीर तरीन कौम झुकियों वाली कौम है, यानी जो लोग झुकियों में रहते हैं वो बुरेवाला में सबसे अमीर तरीन कौम है। उन्होंने गाड़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और अगर वो ड्राइवर रखेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, गरीब बंदी के लिए पैसा खर्च करना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसा उस बंदे का बयान था और हम हुकूमत से इस बात की इल्तमास करते हैं कि उस बंदे को चित्रों से नवाजा जाए। बुरेवाला में बहुत सारी मॉडलिंग कंपनीज भी काम कर रही है, मॉडलिंग कंपनीज जैसे कि NGO फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो कि